खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल हाउस लाहौर में हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात जारी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरतेहाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू हुई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको आगाह करें कि बिलावल हाउस लाहौर में ये मुलाकात जारी है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरतेहाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर इसमें गुफ्तगू की जा रही है। लाहौर बिलावल हाउस में हमजा शहबाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान ये अहम मुलाकात इस वक्त जारी है और इस अहम मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरतेहाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू भी हो रही है। बिलावल हाउस में हमजा शहबाज के एजाज में जोहराना दिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल तालिब ने। जी अफजाल, हमजा शहबाज पहुंचे हैं बिलावल हाउस, उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के वफ्द में कौन कौन शामिल है और आज की इस मुलाकात के हवाले से भी बताइएगा किन अहम मामलों पर बात होगी। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है आसिफ जरदारी की दावत पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है अपने साथियों के हमरा जो है वो यहाँ पहुंचे, उनके साथ आतारण है, सुबह कबीना के जो है अरकान असम्बली है उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन उधर से पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है शर्जील मेमन और वजीर अला सिंध मुराद अली शाह साहब उनसे पहले पहुंच चुके थे। आज मीटिंग का बेसिकली जो एजेंडा है वो मुस्लिम लीग काफ और खासतौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है चौधरी फैज अली के हवाले से जो कल मुलाकात गुज़श्ता दिनों आसिफ अली जरदारी की चौधरी शजात से मुलाकात हुई और कल जो है सालिक हुसैन और दोनों भाई की हमजा शहबाज से मुलाकात हुई, तो एक बैकडोर जो है रबतों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जराये का कहना यह है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो मुस्लिम नून और काफली के दरमियान पैचअप करवाने के लिए वो इस मिशन पर निकले हैं। इसके अलावा यहाँ लाहौर में खासतौर पर पंजाब की 6-7 अरकान असम्बलियां जिनमें पीपल्स पार्टी के 5 वजारतें देने के हवाले से भी जो मुज़ाकरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।